बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अदील अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा हूँ वो है मीटर रीडर की पोस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीटर रीडर काम क्या करता है, मीटर रीडर की पे क्या होती है, मीटर रीडर का पे स्केल क्या होता है, मीटर रीडर की जो ड्यूटी होती है वो कहाँ पर लगाई जाती है, मीटर रीडर के पे में सालाना कितना इजाफा होता है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी वीडियो होगी, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पाकिस्तान में आने वाली लेटेस्ट जॉब और ऑनलाइन अर्निंग के मैथड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीटर रीडर काम क्या करता है। देखिए, मीटर रीडर रीडिंग का काम करता है जिसकी बेस पर सारी इनके जो है बिल तैयार किए जाते हैं। मीटर रीडर का काम जो है इंतहाई होशियारी और ज़िम्मेदारी के साथ किया जाता है। मीटर रीडर की ज़रा सी गलती की वजह से जो है वो मुसारफीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मीटर रीडर अगर गलत रीडिंग लेता है तो अगर आपका महीने का बिल 2000 रुपये आता है, मीटर रीडर की गलत रीडिंग की वजह से आपका बिल जो है वो 2000 से कन्वर्ट होकर 10000 और लाखों रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सारफीन को तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन मीटर रीडर के लिए भी ये बात किसी परेशानी से नहीं होती, क्योंकि मीटर रीडर की जो एनुअल करेक्टर रिपोर्ट होती है वो ख़राब होती है और मीटर रीडर की तरक्की के चांसेस कम होते हैं। इसलिए मीटर रीडर को चाहिए कि वो अपना काम इंतहाई ज़िम्मेदारी और होशियारी के साथ करे ताकि मीटर रीडर की जो एनुअल करेक्टर रिपोर्ट है वो बेहतर हो सके और मीटर रीडर की जो है वो तरक्की के चांस भी अच्छी, आपके अगर एनुअल करेक्टर रिपोर्ट होती है तो आपके तरक्की के चांस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि मीटर रीडर का पे स्केल क्या होता है। देखिए, मीटर रीडर का जो पे स्केल होता है वो मीटर रीडर का पे स्केल 9 से 11 तक होता है और मीटर रीडर को जो मंथली पे दी जाती है वो तकरीबन 25000 से लेकर 35000 तक मीटर रीडर को जो है वो मंथली पे किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मीटर रीडर की जो है वो ड्यूटी कहाँ पर लगाई जाती है। देखें, मीटर रीडर की जो ड्यूटी है वो सुबह बार में किसी भी जगह पर लगाई जा सकती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी ड्यूटी आपके अपने इलाके में भी लगाई जाती है और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको दूर दराज के किसी इलाके में भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। अभी हम बात करते हैं कि मीटर रीडर की पे में सालाना कितना इजाफा होता है। देखें, मीटर रीडर की जो पे होती है उसमें सालाना गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक 10 से 15% जो है इजाफा होता है। जब भी बजट पेश होता है तो दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह जो है वापडा के मुलाजमीन की भी पे में जो है वो जो है गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक जो है इजाफा होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पाकिस्तान में आने वाली लेटेस्ट जॉब और ऑनलाइन अर्निंग के मैथड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।